श्री शिवाय नमः अजा विद्वेल पत्र लेकर जाता। मेरी मम्मी को कैंसर था, 2022 में आंख का कैंसर हुआ था। 2 साल बाद पता चला मेरी मम्मी को सेकंड स्टेज पर कैंसर आ गया। सिरसा के भवनलाल डॉक्टर ने भी हमें बताया कि मम्मी को कैंसर है। हम उनको बठिंडा हिसार चंडीगढ़ लेकर गए, पर सभी दूर यही बताया कि उनको कैंसर है और ऑपरेशन के लिए कहा गया। पर मेरी माता की अवस्था देखकर उनका ऑपरेशन करा गुरुदेव। तब मेरी बुआ की बेटी ममता को फोन किया, उसने मुझे बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत चल रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत करोगे और शंकर जी पर अगर भरोसा करोगे, वो सीहोर वाला महाराज कहता है शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। आप भरोसा करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां का कंकर शंकर मंगवा, वहां का रुद्राक्ष मंगवा। बाबा हम बाबा की प्रार्थना कर कर सीहोर भेजे, कंकर शंकर बुलवाया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आपने प्रदोष का एक उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। बाबा हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। धीरे धीरे उनकी अवस्था ढलती चली गई, अवस्था में तकलीफ आने लगी, बिल्कुल बाबा ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। गुरुदेव मैं शिव का क्या गुणगान करूं, बाबा बाबा है ओ घर दानी। शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है। मैं मेरी माता का फोटो भी लगा, एक फोटो उन्होंने उनकी मम्मी का लगाया है जिसमें वो ठीक है, और एक फोटो जो उन्होंने लगाया अपनी मम्मी का जिसमें उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और शरीर उनका दुर्बल है, जो उनके पास में गले लगकर बैठी हुई है, आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। एक फोटो जिसमें उनके पूरे बाल जा चुके हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो चुका है, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गए, जब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गए, ये दूसरा फोटो लगाया गया है। एक फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से रोगी है और दूसरा फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। शिव तत्व की प्रार्थना शंभू त्रिकाल कैलाशी अविनाशी को जानना है, एक विश्वास बढ़ी हुई है शिव के सामने, अभी झूठ ना कहिए। आप चाहो सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे चल जाएगा, शंकर के होटल पर शंकर के मंदिर में शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं, सत्यम शिवम।